इस वक्त हमारे गाले में मौजूद है। आपको मालूम है कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। इस मौके बहुत से लोगों को सम्मानित किया गया, बहुत से पत्रकारों को, बहुत सी एनजीओ को सम्मानित। आइए देखते हैं किन किन एनजीओ को, जिन पत्रकारों को सम्मानित किया। अंदर हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और जो पहला अखबार हमारा हिंदुस्तान का निकला था हिंदी में 30 मई 1826, एक लंबा सफर तय हिंदी अखबारों ने किया है। लगभग 197 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 2026 में 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उस हिंदी पत्रकारिता जगत को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने देश की आजादी के अंदर हिंदी पत्रकारिता ने जो देश की आजादी के अंदर जो नारे बुलंद किए अखबार के माध्यम से, अंग्रेजों की जो जुल्म थे उसको अपने पत्रकारिता के माध्यम से देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है हिंदी का। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आल पत्रकार एसोसिएशन यमुना पार का कि जिन्होंने आज इस हिंदी पत्रकारिता दिवस के ऊपर एक प्रोग्राम आयोजन किया। उन सभी पत्रकारों को जो सम्मान दिया, जो छोटे छोटे अखबारों के अंदर, यूट्यूब चैनल्स के अंदर और जो एनजीओज है जो हक की आवाज को बुलंद करती है और जो इनकी कलम है वो बहुत सच्चाई लिखती है और सच्चाई के साथ में जो जहां नाइंसाफी होती है उसको अपनी सच्चाई के साथ बिना डरे, किसी के दबाव में नहीं आते, ये कहें कि ये वीर है, हिंदुस्तान के वीर है, बहादुर है, ये सच्चे बहादुर हैं जो कि सच्ची पत्रकारिता करते हैं। उनको बहुत यू कहिए कि ऐसी ऐसी चीजों को सहना पड़ता है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होती। धमकियां भी मिलती हैं उनको, धमकाया भी जाता है कि ये आप मत लिखना, मगर ये बेखौफ होके निडरता के साथ आपकी आवाज को बुलंद करते हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सभी पत्रकारों का, सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये जो आप काम करते हैं ये एक वो काम है जो एक सैनिक बॉर्डर पे करता है, वो आप देश के अंदर रहकर करते हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम हमारे सारे आप पत्रकार बंधु करते हैं। मैं आपको इसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप सभी से पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह महफिल अल्हम्दुलिल्लाह सजाई है और इसमें पत्रकार योग्यता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि गरीबों की, मजलूमों की जो मतलब जो आवाज़ दबाई जाती है उसको सोशल मीडिया, बड़ी मीडिया नहीं उठाती है, लेकिन उसको छोटी मीडिया, पत्रकारिता मीडिया उसको अल्हम्दुलिल्लाह उठाती है और वो जब उठती है तो इंशाल्लाह वो बहुत ऊपर तक जाती है। ये आप लोगों का एक अहम रोल रहा है इसमें और आज जो महफिल सजीव है इसमें भी आप लोगों का बहुत बड़ा महल योगदान रहा। ये युवा निकाली की एक महफिल अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली के कोने कोने तक इसकी आवाज़ पूरे भारत तक गूंजेगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत हिंदी पत्रकारिता दिवस के पक्ष में जो आज प्रोग्राम हुआ है और हमारे सभी आए हुए अतिथियों का हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतना सारा समय दिया और यहाँ पहुंचे और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। और खास तौर पर डॉक्टर खान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बहुत सारा समय दिया। आले मोहम्मद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, एडीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, डीएम साहब यहाँ पे पहुंचे और सभी का हम जितने हमारे अतिथिगण आए हैं सबका हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लेकर जिंदगी के हकी ख्वाब हाजिर ने महफिल को आमिर कहा था। ये जो आज प्रोग्राम हुआ इसका सबसे बड़ा मकसद है लोगों में जोश भरना। क्या होता है कि जैसे जैसे पत्रकारिता चलती है, पत्रकारिता करते हैं, बहुत से पत्रकार बीच में डाउन पड़ जाते हैं, उनमें जोश की कमी आ जाती है, लेकिन जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो उनमें दोबारा करंट आता है, दोबारा जोश जागता है, वो फिर आप उसी स्पीड से लग जाते हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा योगदान इस चीज का रहता है, इस प्रोग्राम से सबसे बड़ी पत्रकारों को जो जोश मिलता है उसमें जो करंट आता है, जो कमियां होती हम बताते हैं, पूछते हैं, वो भी दूर हो जाती है। बस यही कहूंगा कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम था और ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए ताकि हम लोगों का जोश बरकरार रहे और हम लोग जनता के लिए लड़ते रहें, चाहे मिटना पड़े चाहे मरना पड़े। तो देखा आपने जिन जिन पत्रकारों को सम्मानित किया उन सबने एक ही बात कही है कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि इन लोगों में जोश बरकरार रहे। दिल्ली से एम रमेश। सियासी तब्दील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।